बागपत जनपद के दोघट थाना क्षेत्र में बुधवार को दो चचेरे भाइयों में हुए विवाद में चार लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया। पत्नी के साथ गैर सामाजिक संबंधों के शक में ये विवाद होना बताया जा रहा है। बुधवार की सुबह सरोरा गांव में दो चचेरे भाइयों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला बोल दिया। इससे पहले कि गांव के लोग मामले को समझ पाते, अमित ने अपने चचेरे भाई मोनू पर फायरिंग कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। ना चाहूंगा आपको, मेरा नाम है राजीव कुमार। अच्छा, क्या हुआ आज पूरा बताइए। यहाँ सुबह में दोनों में आपस में हो गया, इसने अमित ने इसके गोली मार दी मोनू का। अच्छा, कौन है, कौन लोग हैं ये? ठाकुर हैं, सब पूरा गांव ही ठाकुरों का। इसमें घर कर गोली मारने का कारण क्या रहा? उसे बहम हो गया, अब ये तेरी औरत से तो देखे, इस बहम की वजह से उसने गोली। क्या दोनों भाई हो गया? इसे अमित को बहम हो गया। अच्छा, अमित को बहम हो गया था। मोनू जो है उसकी घर, ये दोनों सगे भाई है? ये इनके पिताजी और सगे भाई हैं, दोनों चाचा ताऊ के हैं। फिलहाल क्या स्थिति है दोनों की? फिलहाल तो इसमें कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहते, दोनों गंभीर रूप से घायल है। जो इनके पिताजी आ रहे हैं, इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते, मना कर रहे हैं। हम तो प्रधान जी कोई कार्रवाई इसमें करने के नहीं, मारा था जो कुछ भी हो गया। घायलों की स्थिति क्या है फिलहाल? घायलों की स्थिति, एक का तो गोली लगी हुई है, एक का चोट लगी हुई है दोनों। एक तो जिसका गोली लगी हुई है तो कैलाशी हॉस्पिटल में भेज दिया, जिसका चोट लगी हुई है वो भेज दिया इसमें SSD ग्लोवर मेरठ में भेज दिया। एक बहू का चोट लगी हुई है वो मेरे इसमें बड़ो था। कुल कितने लोग घायल है? चार लोग है, एक इनकी जो माँ है, इसकी अमित की माँ है, वो अभी मुलेडे भी जी। ठीक है, चार लोग। पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस की सूचना दे दी, पुलिस भी आ गई, SP साहब भी आ गए, CO साहब भी आ गए, सब आ गए। ठीक। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन